लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी, इन सबकी रूप राशि की जो संपदा है, जितने रूप सुंदर से संपन्न है, ब्रह्मा ने उनका किस प्रकार से निर्माण किया है, उनकी रचना की है, इसका वर्णन किया गया है। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से कि हे सखी, इस संसार में एक राधा की और तीन और रानियां, इंद्राणी सहित जो ये तीन और स्त्रियां हैं, इनकी रचना की गई है। इस संसार के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, और कीर्ति कीर्ति अर्थात करोड़ों और करोड़ों जो राजा हैं, उनके जो सर्वश्रेष्ठ कवि राज है, क्योंकि राजाओं के आश्रम में कौन रहते हैं, कवियों रहते हैं, तो जितने भी संसार के करोड़ों राजा हैं, उनके श्रेष्ठ कवि राज हैं, उन्होंने अपनी रचना अर्थात अपनी जीव से अर्थात अपने वाणी से इन सबकी सुंदरता का, इनकी रूप राशि का वर्णन किया है। देवी रमा अर्थात लक्ष्मी, कवि देव मां पार्वती, उपाय पार्वती, ये त्रिलोक में रूप की राशि बची है। पूरे पूरे संसार के अंदर तीनों लोकों के अंदर क्या है, लक्ष्मी, राधा और इंद्राणी और पार्वती, इनके रूप सुंदर राशि भंडार की जो वर्णन है, उसकी जो महिमा है, वो तीनों लोकों में व्याप्त है। ये तीनों लोकों में क्या है, इनकी रूप राशि क्या है, वर्णित है, अर्थात सभी युगों में इनका वर्णन किया गया है। हर युग का कवि क्या है, इनकी रूप राशि का वर्णन किया है अपनी वाणी के माध्यम से। पे वर नारी महासुकुमारी, ये चारी विरणित विचार रचिए कि ब्रह्मा ने क्या है, इन चारों स्त्रियों का जो, इन चारों स्त्रियों की जो रचना है, वो बड़ी ही विचार करके की है, कि उनको इतना रूप भंडार दिया है, अकाल सुंदर इनको दिया है, तो ब्रह्मा ने बड़े ही सोच विचार करके इनकी रचना इस संसार में की है। तो यही इसके अंदर बताया गया है। इस पद के अंदर क्या है, राधा, इंद्राणी, रमा और पार्वती, इनकी रूप राशि के भंडार की जो महिमा है, उनके रूप सौंदर्य का जो वर्णन है, वो इस पद के अंदर किया गया है। ठीक है, तो आज आते हैं।